तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी के बयान, मरे मुलायम काशी राम, फिर से बोलो जय श्री राम, नारे ने पकड़ा तूल। कल आगरा में सपाइयों ने किया बुद्धि शुद्धि हवन, आज थाने में दी तहरीर। जगत गुरु को जेल भेजने के लिए सपाइयों ने की मांग। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां पिछले कई दिनों से तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की भागवत कथा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। इस भागवत कथा के आयोजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच भागवताचार्य श्री रामभद्राचार्य जी ने मंच से एक नारा दिया, इसमें उन्होंने कहा, मरे मुलायम काशी राम, फिर से बोलो जय श्री राम। फिर क्या था, ये मामला तूल पकड़ गया। जैसे ही इस नारे को समाजवादी पार्टियों के युवाओं ने और कार्यकर्ताओं ने सुना, वैसे ही आचार्य जी पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर दी। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सदर बाजार स्थित थाने पर कार्रवाई करने के लिए लिखित में सूचना दी गई। इस मामले में देखिए, आगरा की कोठी मीना बाजार में जो कथा हो रही है, उसमें आए हुए भगवताचार्य जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग दलित पिछड़ों के नेता, जिन्हें सरकार ने भी सम्मानित किया है पद्म भूषण से, उनके खिलाफ और दलित पिछड़ों के नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब के खिलाफ जिस तरह का नारा लगाकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे दलित पिछड़ों में और समाजवादी पार्टी की विचारधारा मानने वाले लोगों में बहुत ही आक्रोश है। उनके सम्मान को जो ठेस पहुँचाई है, उसको लेकर के आज हम सदर थाने में आए हैं और हमने ये सरकार से और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन्हें जेल में डाला जाए और इन पर बैन लगाया जाए, जिससे ये द्वारा कहीं ऐसी भाषा का प्रयोग न कर पाए। और सरकार से यह भी मांग करते हैं कि इनका जो सम्मान दिया पद्म भूषण को वापस लिया जाए। ठीक। दरअसल हम आपको बताते चले हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे ये फिर द्वारा से 90 के दशक का फॉर्मूला एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ। दरअसल दो दिन पूर्व रायबरेली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंच पर थे, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता भी मंच पर थे। उन्होंने एक जोरदार नारा दिया, उसमें उन्होंने कहा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर क्या था, इस नारे ने रायबरेली से रफ्तार पकड़ी और आगरा में जगत गुरु के पास इस नारे को और बढ़ा दिया गया। इसी दौरान जगत गुरु ने इस नारे बदलते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा में दिखाई दिए। हालांकि इस नारे के अलग कयास लगाए जा रहे हैं, यह तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट।